हे एवरीवन, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हेलो इंग्लिश ऐप कैसी है। तो मैं इसका रिव्यू दूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी, अगर आप बिगिनर हैं, यानी कि आप अभी शुरू ही कर रहे हैं अपना चलाना, कि इंग्लिश सीखनी आपको, तो सबसे बेस्ट ऐप है ये मेरे हिसाब से। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया, मैं कुछ टाइम से अभी चला ही रही थी, तो मुझे बेस्ट लगा, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसके रिव्यू शेयर करूँ। तो यहाँ पे कई सारे लेसन्स आपको मिलते हैं, बेसिक लेसन से आप फेज़ वन से स्टार्ट करते हो। यहाँ पे नाम पूछना और बताना बताएंगे, यानी कि आप इसमें कैसे बोल चाल कैसे करनी, वो सब आपको इंग्लिश में बिल्कुल बेसिक लेवल से बताएंगे, कि अगर आप बिल्कुल नहीं जानते किसी लैंग्वेज को तो आप इजीली शुरू में पहचान जाएंगे। जैसे कि अभी मैं खेल चुकी हूँ, तो दोबारा खेलती हूँ। जैसे मेरा नाम है, तो यहाँ पे मुझे बताना है कि मेरा नाम पूजा है, तो मैं कैसे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करूँगी। तो ठीक है, मेरा नाम, माई नेम इज़ पूजा। उसके बाद फिर ये पूछते हैं माई नेम इज़ क्या आएगा, यानी कि वर्ब क्या आएगी। ऐसे ही इन्होंने बोला आई एम लुइस, तो यहाँ पे मैं पूजा हूँ, तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलना, आई एम पूजा। सो ये गेम है, वट इज़ योर नेम। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे जवाब देना कि क्या है आपका नाम। सो आपका नाम मधु है, इसको इंग्लिश में मुझे बताना है व्हाट इज़ योर नेम। सो आपका नाम नेहा है, तो मुझे यहाँ पे बताना है योर नेम। देखो मैंने गलत कर दिया है, क्योंकि ए एम द नहीं है, तो ये योर नेम इज़ नेहा, यहाँ पे द नहीं लगेगा, ओनली इज़ आएगा। तो देखा आपने कितनी इजीली आप इसमें देख सकते हैं कि आप कहाँ मिस्टेक करें, आप कहाँ नहीं मिस्टेक करें, आपको तभी की तभी बताई गई। तो ये बहुत इजी वे है एक लैंग्वेज को लर्न करने का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाइस टू मीट यू टू बोल रही, तो प्रो अपग्रेड करें, ये प्रो ना रुपए लेके तब आपको अप्रोच हो जाएंगे अगर आप इसमें रुपए देते हैं। तो बैक टू होम, बैक। तो अब मैं इसकी फीचर्स बताती हूँ कि कैसे कैसे आप इसमें क्या क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कोर्सेज़ क्या क्या है। ऑल कोर्सेज़ में आपको कई तरह के कोर्सेज़ मिलेंगी। रचना आर्या की तरफ से एक कोर्स है जो कि 259 में है। ऐसे करके कई सारे फैकल्टी है, उन सब के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास कई सारी चीज़ें, जैसे आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, जैसे टिप्स होती हैं, टिप्स ये लोग देते कि अंग्रेजी में बहुवचन क्या होते हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उन सबका बेसिक से ये बताते हैं, बिल्कुल बेसिक से ही। उसके बाद न्यूज़, अगर आप न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में, तो वो भी पढ़ सकते हैं। सारी ट्रेंडिंग न्यूज़ होती है, लेटेस्ट होती है। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं इजी वे में, ये एक बोट होता है, उसके साथ आपको कन्वर्सेशन करना होता है। उसके बाद आते हैं गेम्स, इसमें कई तरह के गेम्स हैं, जैसे स्पेलिंग बी, यहाँ पे आपको स्पेलिंग बतानी होती है। अभी देखिए पूछेगा घंटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग बताइए, तो बी ई डबल एल, तो बेल, तो आपका करेक्ट हो गया। ऐसे ही करके कई और गेम है इसमें, जैसे टी गेम है, टी गेम मैं आपको खेल के बताती हूँ कैसे होता है। इसमें चाय फिल कर दी जाएगी, वो ख़त्म होने से पहले मुझे आंसर देना, मैं हूँ, तो आई एम, ऐसे करके कई और होते हैं। ऐसे ही वो कैब गेम है, एम्फेसिस गेम है, फ्लिप गेम है, रीडिंग गेम है, रीड करते जाना आपको, आपकी स्पीड बढ़ाएगा इसमें। और उसके बाद यहाँ पे वीडियोज़ है, वीडियोज़ आप देख सकते हैं, लेक्चर्स है कई सारे जो इंग्लिश के ही है। देखिए, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स होते हैं जिसमें आप बोर नहीं होंगे। इसके बाद आता है ऑडियो, ऑडियो में आप सुन सकते हैं, बुक्स है, बुक्स आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कई सारे राइटर्स की है। और यहाँ पे फिर चैलेंजेस भी हैं, यानी कि ऑनलाइन जो प्लेयर हैं उनके साथ आप खेल सकते हैं वन ऑन वन। तो यहाँ पे अपग्रेड टू प्रो, यहाँ पे प्रो मतलब कि आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, 1715 रुपये पर ईयर, जो फैसिलिटी उसमें प्रो में है वो आपको मिलने लग जाएंगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे बेला और कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप खरीद सकते हैं।
रिकमेंडेड कोर्सेज हैं ये सारे, जैसे कंप्लीट फ्रेजल वर्ब की लिस्ट, ये एनाबेला, यहाँ पे ये सारे कई सारे लेसन्स हैं जिनको आप कंप्लीट, हर रोज़ एक नया लेसन होता है, टास्क होता है, उसको कंप्लीट करना होता है। इससे आपको एक फील भी आती है कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं इंग्लिश में। और मैसेजेस में आपको एक हेल्पलाइन दी जाती है इंग्लिश टीचर्स की, तो कुछ ना कुछ आपको बताते रहते हैं कि ज्वाइन करिए, यहाँ पे अप्लाई कीजिए, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे आपको मिलेगी और आप पूछ भी सकते हैं। उसके बाद वर्ड ऑफ द डे का एक कॉलम होता है, यानी कि मैसेजेस में एक वर्ड रोज़ मिलता है, यानी कि एक वोकैब, जैसे हिट आज का शब्द था, ऐसे कल का शब्द था, परमिट, ऐसे करके रोज़ एक नया वर्ड आपको मिलता है इंग्लिश का। उसके बाद टिप ऑफ द डे, हर रोज़ एक नई टिप मिलती है कि 10 एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसमें एडवर्ब्स बताए गए हैं। उसके बाद ये पिछला है जिसमें बताया एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, मतलब आप लेट हो गए तो कौन कौन से एक्सक्यूजेज आप यहाँ पे लगा सकते हैं, दे सकते हैं। ऐसे 30 ट्रैफिक साइंस टू फॉलो। उसके बाद आता है ग्रामर चैट बो, ये सिर्फ उनके लिए जो प्रो के जो कस्टमर हैं उनके लिए ही। उसके बाद वो कैप चैट, ये भी प्रो पे ही है, और आपके अगर फ्रेंड्स हैं तो नीचे शो होंगे, जैसे मेरी फ्रेंड फाइज है तो वो शो हो रही है नीचे। ऐसे करके यहाँ पे कुछ लाइसेंस है, यहाँ पे मल्टीप्लेयर चैलेंज जैसे गेम ऑनलाइन प्लेयर के साथ खेल सकते हो। उसके बाद नीचे माई रिपोर्ट कार्ड, माई पब्लिक प्रोफाइल, डेली बोनस, तो मेरी रिपोर्ट कार्ड क्या है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी रिपोर्ट कार्ड क्या है। इसमें कॉइन्स मिलते हैं गेम खेलिए, रोज़ आइए, हर चीज़ के। तो मैं आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाती हूँ, ये मेरी रिपोर्ट कार्ड है। फ्रेंड्स में रैंक मेरी 1 है, मेरे सिर्फ 2 ही फ्रेंड है, प्रियंका, सॉरी फाइजा एंड आना, तो मेरे कॉइन्स अभी इतने ही हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें डेली अटेंडेंस बोनस मिलता है, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, कभी कॉइन्स मिलेंगे, कभी टिकट्स मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स शो होंगे, जितने भी फ्रेंड्स हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं या फिर जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ वो लोग यहाँ पे मुझे दिखेंगे। उसके बाद आता है डिक्शनरी है, मेमोरी मैप है, मेमोरी मैप सिर्फ उनके लिए जो प्रो के कस्टमर हैं। तो मैं आपको ये सारे दिखा दे रही क्या क्या इसमें अपडेट, ऐप की सिंक कॉइंस करते हैं, उसके बाद ऐप लैंग्वेज, इंग्लिश किड्स एक ऐप है वो भी बता देते हैं, ऐसे करके कई सारी चीज़ें इसमें। टीचर रजिस्ट्रेशन भी, आप अगर टीचर बन के एज अ टीचर इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं इसमें, अपनी वीडियोज़ डालिए, अपने कोर्स के ऊपर कितने आपको रुपये लेना वो सब डालिए। उसके बाद यहाँ पे डिक्शनरी, 10,000 शब्द, 10,000 इसमें वर्ड्स हैं, सबके बारे में हर एक इंफॉर्मेशन होगी हर वर्ड्स की, कि वो क्या है, वो वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। तो बेसिकली बहुत अच्छी ऐप है, और यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं पता और सिर्फ सर्च करना है, तो जैसे मैंने वर्ब सर्च की, तो यहाँ पे वर्ब्स की क्या क्या चीज़ें हैं वो सब मुझे आप पता चल गया कि क्या क्या होता है वर्ब में क्या है। उसके बाद अगर मैं कुछ और लिखती हूँ, जैसे टुडे लिखा तो टुडे का पता चल बताएगा कि क्या है, डिक्शनरी में, आर्टिकल में यूज़ हुआ है, कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, फोरम में, सब जगह, न्यूज़ में बताएगा कि टुडे का न्यूज़ क्या है। ऐसे करके अगर मैं मोदी जी को करती हूँ तो यहाँ पे मोदी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी जो इस ऐप में है। तो बेसिकली एक बहुत अच्छी ऐप है, इसको जो मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से एक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उनके लिए तो मोस्ट प्रेफरेबल है ये ऐप, क्योंकि मैं भी खुद इंजॉय करी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, प्रेस द बेल आइकन टू।